नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है कुक विद उषा चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हेल्दी पिज्ज़ा। हेल्दी इसलिए क्योंकि ये आटे से बना है। मार्केट में अगर हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो ज़्यादातर मैदे से बना होता है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे भी इसी तरह की रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जो नई वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हेल्दी पिज़्ज़ा बनाना। पिज़्ज़ा हम बिना ओवन के बनाएंगे, तो उसके लिए हमें देसी ओवन का जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो चलिए, कढ़ाई में मैंने देखिए नमक डाल दिया है, एक कटोरी नमक है ये, और प्लेन नमक ही है, लेकिन मैंने इसे पहले भी कई बार यूज़ किया है, इसलिए इसका थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज हो गया है। आप भी एक बार यूज़ करने के बाद नमक को फेंकिएगा नहीं, उसे स्टोर करके रख लीजिए, बाद में काम आ जाता है हमारे। तो देखिए, इस तरह का अगर आपके पास वायर स्टैंड है तो इसे आप इसके ऊपर रख दीजिए। एक कटोरी मैंने यहाँ नमक डाला है, और नमक जो है वो स्टैंड से नीचे ही रहना चाहिए, स्टैंड को टच ना करें नमक, क्योंकि थोड़ी सी हाइट हमने देनी होती है। और अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि कोई भी घर में पुरानी स्टील की कटोरी हो उसे रख लीजिएगा। तो ढक्कन लगाकर इसे हम 10 मिनट के लिए गर्म होने देते हैं। अब पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसके लिए पिज़्ज़ा सॉस भी चाहिए ना, कई बार घर में पिज़्ज़ा सॉस नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ टोमेटो केचप लिया है, और घर का ही टोमेटो केचप बनाया है मैंने, इसका वीडियो मैंने डाला भी है। अब हम क्या करेंगे कि 3-4 कलियाँ कुटे हुए लहसुन की इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में आई बटन आ रहा होगा, मैंने वहाँ टोमेटो केचप का लिंक दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से टोमेटो केचप सीख सकते हो। और अब यहाँ हम डाल देंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का। चिली फ्लेक्स भी आप घर में बना सकते हो, मैंने भी घर में ही बनाए हैं। लाल मिर्च को मिक्सी में आप चला लीजिएगा, चिली फ्लेक्स बन गए। मार्केट में तो ये बहुत महंगे मिलते हैं, तो घर में ही आप बना के रखिए सारा सामान। तो चलिए, अब हम पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक कटोरी ली है गेहूं के आटे की। अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच शुगर पाउडर का। शुगर पाउडर भी मैंने घर में बनाया है, चीनी को आप मिक्सी में चला लीजिए और फ्रेश शुगर पाउडर बन जाएगा। एक चम्मच नमक का, और एक ही चम्मच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम डाल रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा, आधे से भी कम चम्मच बेकिंग सोडा का, या मीठा सोडा जिसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपने, थोड़ा ही इसको डालिएगा। अब अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा, और मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं 3 चम्मच दही के, और फ्रेश दही है ये, रूम टेम्परेचर पे दही लिया है हमने, ठंडा दही नहीं लेना है। और पहले हम दही से ही बेस बनाएंगे, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल लेंगे, और इसका हम सॉफ्ट डो बनाएंगे, गूंद लेते हैं इसको। और देखिए फ्रेंड्स, जब इस तरह से हो जाए इकट्ठा आटा, तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच मेल्ट किया हुआ बटर। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हो थोड़ा सा, या ऑयल भी डाल सकते हो। तो डो हमारा तैयार है, देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का सॉफ्ट डो हमारा बना है, देख सकते हैं आप। अब 5-7 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे। जितनी देर में हम प्लेट को ग्रीस कर लेंगे, जिसमें कि हमने पिज़्ज़ा बेक करना है, तो मेल्ट किया हुआ बटर मैं यहाँ लगा रही हूँ। फिर से अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसे ऑयल या घी से ग्रीस कर सकते हो। तो प्लेट तो हमारी तैयार है, चलिए अब आटे को देख लेते हैं। 5-7 मिनट के बाद आटा हमारा देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, फ्लफी भी हो गया है थोड़ा सा। अब 1-2 मिनट के लिए आप इसे इस तरह से दोबारा गूंद लीजिएगा, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे मेल्ट किया हुआ बटर, 1 चम्मच डाल रही हूँ। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी, अगर आपके पास बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें 1 चम्मच ऑयल या 1 चम्मच देसी घी डाल सकते हो। तो देखिए, इस तरह से डो हमारा तैयार है। अब हम 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे,
क्योंकि एक कटोरी आटे से हमारे दो पिज़्ज़ा बेस तैयार हो जाते हैं। एक को हम साइड में फिलहाल रख देंगे और एक से बना रहे हैं पिज़्ज़ा बेस। तो देखिए इस तरह से अब थोड़ा सा सेल्फ पे आप आटा छिड़क लीजिएगा और इसे बेल लीजिए। अगर आपके पास मक्की का आटा है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, उससे बहुत ही बढ़िया अच्छे से बाहर से इसमें कलर आता है। लेकिन मेरे पास फिलहाल मक्की का आटा नहीं है तो मैं गेहूं के आटे से ही इसे इस तरह से बेल रही हूँ। तो देखिए इतना थिकनेस होनी चाहिए इसमें, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। अब साइड से आप इसे इस तरह से दबा लीजिएगा और फ्रेंड्स ये प्रोसेस आप प्लेट में रख कर ही कीजिएगा, मैं सेल्फ पे रख कर ही इसे कर रही हूँ। प्लेट में रखना मैं सच कहूँ तो भूल चुकी हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आप प्लेट के अंदर ही जो प्लेट हमने ग्रीस कर कर रखी है उसी में ये सब प्रोसेस कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से फोक से आप इसे छेद कर दीजिए और छेद जो है वो आर पार हो जाने चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो फूलेगा नहीं, नहीं तो रोटी की जैसा फूल जाता है फिर बेक होते हुए। तो चलिए ऊपर से हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस जो कि हमने घर में ही तैयार की है। तो खूब सारी आप लगा लीजिए, घर की ही चीज़ है। तो वैसे जैसा आपका टेस्ट, जितनी आपको पसंद हो, मुझे तो बहुत सारी लगानी होती है। तो ऊपर से डाल देंगे ग्रेटेड मोजरेला चीज़। अब जितनी आप लगाना चाहें फिर से, लेकिन 50-60 ग्राम तो लगेगी ही, इससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चीज़ डालेंगे आपका पिज़्ज़ा उतना ही मज़ेदार बनेगा। और इस तरह से चीज़ डालने के बाद ऊपर से आप अपने हिसाब से इसमें टॉपिंग कर सकते हो। आप चाहे शिमला मिर्च लगाइए, टमाटर लगाइए, प्याज लगाइए, या आपके पास स्वीट कॉर्न है वो रख लीजिए। फिलहाल मेरे पास तो शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज ही है, तो इसी से काम चलाते हैं। ज़्यादातर सभी के पास ये होता ही है। थोड़ी सी ऊपर से मोजरेला चीज़ और डाल लीजिए। तो चलिए ऊपर से डाल लेंगे चिली फ्लेक्स पिज़्ज़ा को स्पाइसी बनाने के लिए। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। और थोड़ी सी चीज़ और डाल ली। और देखिए इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आप पहले ही पिज़्ज़ा को प्लेट में रख कर टॉपिंग कीजिएगा, नहीं तो उठाने में दिक्कत आती है। ऊपर से थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और डाल लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से साइड्स में आप थोड़ा थोड़ा बटर लगा लीजिएगा, साइड्स में ही लगाना है जिससे कि शाइन अच्छी आएगी पिज़्ज़ा में। और चलिए अब इसे हम रख देंगे कढ़ाई के अंदर, ढक्कन को उठा लेते हैं पहले। थोड़ा सा ध्यान से उठाइएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो चलिए आराम से इसे आप रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है कढ़ाई हमारी। अब हम इसे क्या करेंगे कि 10-12 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर बेक करेंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है और टाइमिंग कई बार आगे पीछे हो जाता है, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, 10 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिएगा। तो लीजिए ढक्कन लगा दिया है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं पिज़्ज़ा को। आराम से ढक्कन उठाइए, बहुत ज़्यादा गर्म है। वाओ, देखा हमारा पिज़्ज़ा एकदम रेडी है, क्योंकि इसकी जो चीज़ है पूरी मेल्ट हो चुकी है, कलर भी बहुत बढ़िया आया है पिज़्ज़ा के अंदर। आराम से उठा लेते हैं और 1-2 मिनट इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे, उसके बाद पिज़्ज़ा को काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर छोड़ा कीजिए, लाइक तो आप करेंगे ही, ये तो मुझे पता है। तो देखिए नीचे से मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा पिज़्ज़ा कितना बढ़िया से बेक हुआ है, देख सकते हो आप, देखिए कितना बढ़िया नीचे से बेक हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आप भी फटाफट से बनाइए हेल्दी पिज़्ज़ा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।